अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों में माल मुजरिम की पतासाजी के दिए गए निर्देशों पर साइबर सेल और धर्मजयगढ़ पुलिस की टीम को ट्रक ड्राइवर से 25 टन डीएम की सरिया। लूटपाट मामले में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। पुलिस टीम द्वारा ट्रक ड्राइवर से हुई लूटपाट में शामिल मुख्य साजिशकर्ता, उसके एक साथी और चारों की संपत्ति के खरीदार हार्डवेयर व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया है। जिनसे लूट का 21 टन सरिया, घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर, ऑटो, ऑल्टो कार, दो मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और लूटपाट में बंटवारे की रकम करीब 5,000 बरामद की गई। आरोपियों को डकैती के अपराध में धर्मजयगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण की गंभीरता पर एसपी दिव्यांग पटेल द्वारा अधिक पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रामगोपाल करियरे के निर्देशन में साइबर डीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में डीएसपी सिद्धांत तिवारी, टीआई धर्मजयगढ़ कमला पुसाम और साइबर सेल की टीम बनाकर शीघ्र माल मुजरिम पतासाजी के संबंध में निर्देश दिए। टीआई कमला पुसाम द्वारा ट्रक ड्राइवर के बताए तथ्यों को ध्यान में रखकर थाना में पूर्व से घटित अपराधों और इस लूटपाट के आरोपियों के तरीके वारदात का एनालिसिस की, जिसमें उन्हें संदेही लोकेश यादव के इस प्रकार लूटपाट में शामिल होने की जानकारी मिली, जिसकी पुष्टि मुखबिरों से हुई। घटना दिनांक को आरोपी लोकेश यादव उसके साथी आरोपी रूपेश यादव के साथ था। इस बड़ी लीड पर आगे बढ़ते हुए डीएसपी अभिनव और उनकी टीम द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के लिए ओडिशा के सुंदरगढ़ और झारखंड के सिमडेगा में दबिश दी गई और आरोपी रूपेश यादव निवासी लस्सी अम्बा थाना तपकरा जशपुर को पकड़ा गया। आरोपियों की पहचान हुई, जो 4 मुख्य आरोपी थे जिनके द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, लोकेश यादव, दीपू यादव, राजू यादव और रूपेश यादव। इसमें से रूपेश यादव अभी हमारी गिरफ्त में है। इनमें से जो लोकेश यादव है वो पूर्व में भी सिमिलर प्रकार की घटना में जेल जा चुका है। वो पूरी घटना को मास्टरमाइंड था और उसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। इसमें से 4 में से 1 रूपेश यादव की गिरफ्तारी हुई है, बाकी तीनों की अभी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। साथ में जिन्होंने ये जो लूट का सरिया खरीदा था, मोहम्मद मिस्टर जिना और गणेश गुप्ता, ये दोनों थाना तलतरा सुंदरगढ़ के रहने वाले हैं। ये दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि मामले में 4 से ज्यादा आरोपी हो रहे हैं, इसलिए मामले में डकैती की धारा लगाई गई है। धारा 395, 365, 397, 120B, 412 और आरोपी के पास हथियार होने की वजह से 25-27 आर्म्स एक्ट जोड़ा गया है। टोटल अभी 31 लाख का मशरूम का बरामद हुआ है, जिसमें 25 टन में से 21 टन सरिया बरामद हुआ है। मारुति अल्टो कार जिससे आरोपी आए थे, ट्रैक्टर जिसमें सामान लोड करके ट्रांसपोर्ट किया गया, बाइक जो घटना में प्रयुक्त हुई थी और आरोपियों के मोबाइल, टोटल 31 लाख का मशरूम का बरामद हुआ है। और रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार जहां पे भी इस प्रकार के अपराध की घटनाएं होती है वहां पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये पूरे 4 लोगों का गिरोह था जिनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है और जो बाकी लोगों की गिरफ्तारी बची है उसके लिए भी विशेष टीम बना के गिरफ्तारी की जा रही है। इस मामले की विशेषता ये भी है कि इसमें ट्रेडिशनल पुलिसिंग के तरीके से, ह्यूमन इंट से हम लोगों ने काफी मदद मिली और उसके आधार पे पूरा मामला सॉल्व किया। अंतर्राज्यीय गिरोह से चल रहे बात हो गई, ये जो गिरोह है वो 3 स्टेट के बॉर्डर पे एक्टिव थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, जिसके कारण एक जगह से कोई घटना करते थे दूसरे स्टेट में चले जाते, दूसरी जगह घटना करके तीसरे स्टेट में। पकड़े गए आरोपी रूपेश यादव थाना तपकरा जिला जसपुर का रहने वाला है, मोहम्मद मिस्टर जीना थाना तलतरा सुंदरगढ़ का एवं गणेश गुप्ता थाना तलतरा सुंदरगढ़ का रहने वाला है। पूरे मामले में अभी और विवेचना जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।